ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है। लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। टुडे वी साइन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन आवर लिविंग ब्रिज। एज आई अनाउंस यस्टरडे, फॉर अ कंटिन्यू डीपनिंग रिलेशनशिप वी विल सून ओपन अ न्यू इंडियन कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन, जस्ट एज ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड ओपनिंग अ न्यू कॉन्सुलेट इन बेंगलुरु। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, Prime Minister Albanese and I have in the past discussed the issue of attack on temples in Australia and activities of separatist elements. We discussed the matter today also again. We will not accept any elements that harm the friendly and warm ties between India and Australia by their actions or thoughts. I thank Prime Minister for the actions that have already been taken. Prime Minister Albanese has once again assured me today that he will take strict actions against such elements in the future also. Friends, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिपेक्ष केवल हमारे दो देशों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। फ्रेंड्स, द स्कोप ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इज नॉट लिमिटेड टू मियरली आवर टू कंट्रीज। इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू रीजनल स्टेबिलिटी, पीस एंड ग्लोबल वेलफेयर। अ फ्यू डेज अगो इन क्वाड समिट इन हिरोशिमा विद प्राइम मिनिस्टर वी डिस्कस्ड इंडो पैसिफिक इश्यूज।